हमारे जीवन में हमेशा कोई न कोई ऐसा शख्स होता है जिसके साथ हम असहज या अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, और वे अक्सर कुछ न कुछ ऐसा करते रहते हैं या फिर हमें ऐसा लगता है कि वे कुछ तो कर रहे हैं जिससे हमें परेशानी हो सकती है। इस प्रकार से उनके स्वभाव को स्वीकार करने के बजाय हम खुद ही उनके स्वभाव और उससे रिलेटेड कार्यों से बार बार प्रभावित होते रहते हैं, हालांकि कई बार चाहे उनका ऐसा करने का इरादा ना भी हो। इन सभी बातों में अगर हमारे रिएक्शंस हम तक ही रहें, तो इन नकारात्मक भावनाओं का प्रभाव सीमित होगा और वे केवल हमारे लिए ही चुनौती पैदा करेंगे, लेकिन अक्सर ये भावनाएं हमारे अंदर निगेटिव एक्शन और रिएक्शन का एक चक्र शुरू कर देती हैं, जिससे फिर ये हार्मफुल भावनाएं उस दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती हैं। इस नेगेटिव एनर्जी को रिसीव करने के बाद वो व्यक्ति हमें नेगेटिव समझना शुरू कर देता है और उसी तरह से रिएक्शन देता है या हमारे बारे में सोचता है, और इस तरह से हमारे और उस व्यक्ति के बीच एक इमोशन शीत युद्ध शुरू हो जाता है। और ऐसे ही समय समय पर एक दूसरे के साथ नकारात्मक विचारों, भावनाओं, दृष्टिकोण, बोल और कर्मों का आदान प्रदान होने से हम आपस में नेगेटिव कार्मिक अकाउंट और बंधन से बंध जाते हैं। और इन्हीं भावनाओं के साथ यह नेगेटिव अकाउंट्स और अधिक मजबूत होते जाते हैं। ऐसे सिनेरियो में अगर हम में से कोई भी फिजिकल या नॉन फिजिकल लेवल पर सकारात्मक तरीके से एक्शन या रिएक्शन देता है, लेकिन ऐसा करने पर भी नेगेटिव बॉन्डेज को तोड़ने और रिश्ते को सकारात्मक बनाने में बहुत कम मदद मिलती है, क्योंकि थोड़ी सी पॉजिटिविटी के साथ बहुत सारी निगेटिविटी भी जुड़ी होती है, इसलिए नकारात्मकता थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन इसके प्रभावों को पूरी तरह से दूर नहीं किया जा सकता है। तो हम नेगेटिव एनर्जी के एक्सचेंज के इस दुष्चक्र को कैसे तोड़े? किसी भी व्यक्ति के साथ नेगेटिव एनर्जी के आदान प्रदान के चक्र को तोड़ने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, आत्म परिवर्तन। हम आत्म परिवर्तन तीन लेवल पर कर सकते हैं। आइए आत्म परिवर्तन के पहले लेवल को समझें। इस लेवल में हमें समझ लेना चाहिए कि हमें किसी भी व्यक्ति के लिए मौखिक रूप या वर्बली शब्दों द्वारा कोई रिएक्शन नहीं देना है। हमें ऐसा इसलिए करना है क्योंकि अगर मैं किसी व्यक्ति से मिली नेगेटिव एनर्जी के बारे में नेगेटिव भाव, दृष्टि, शब्द और कार्य के माध्यम से दूसरों लोगों के साथ बात करता हूँ, तो पूरे माहौल को नेगेटिव बनाता हूँ। इससे दूसरों के मन में भी उस व्यक्ति के प्रति नकारात्मक धारणाएं जन्म लेती हैं। तो पहले लेवल में हमें किसी भी व्यक्ति की नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव में आकर कुछ भी बोलने से बचना है। आत्म परिवर्तन का दूसरा और थोड़ा गहरा लेवल है जहां हमें रिएक्ट नहीं करने के साथ साथ उस व्यक्ति के बारे में किसी से भी बात नहीं करनी है, यहां तक कि उन लोगों से भी नहीं जो कि हमारे करीबी हैं। ऐसा करने से डैमेज थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन फिर भी अनजाने और अनदेखे रूप से फिजिकल आंखों और कानों के पीछे यह चलता ही रहता है, क्योंकि हमारे विचार और भावनाएं पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में नहीं होती हैं। इसके लिए हम आत्म परिवर्तन के तीसरे और सबसे गहरे लेवल को समझते हैं, जहां हम अपने विचारों और भावनाओं की क्वालिटी को बदलने की शक्ति अपने अंदर विकसित करते हैं। हम भावनात्मक रूप से इतना सशक्त महसूस करते हैं कि अपने चरित्र के उस दोष कमजोरी को दूर कर सकें जो हमारे रिएक्शंस में आकर हमें परेशान करती थी या दुख पहुंचाती थी, अब से ऐसा नहीं होगा। साथ ही ऐसा करने से हमारे रिश्ते भी सिक्योर एंड सेफ रहते हैं, जो कि हर किसी की चाहना होती है। यह खुद को इस प्रोसेस में समा लेने और आत्म परिवर्तन की शक्ति है जो अपने सर्वोत्तम रूप में दूसरे के साथ नकारात्मक ऊर्जा के आदान प्रदान को रोकने की क्षमता रखती है।
याद रखें, आपके विचार और उनसे जुड़ी भावनाएं ही आपके जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं। आशा है कि आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है। वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के बीच साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मिलकर एक बेहतर दुनिया बनाएं।